भारत यानी राज्य अनेक, राष्ट्र एक, भारत यानी समाज अनेक, भाव एक, भारत यानी पंथ अनेक, लक्ष्य एक, भारत यानी रिवाज अनेक, मूल्य एक, भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक, भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक। भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं एक्चुअली असम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं मणिपुरी हूँ, तो इसी हिसाब से मैं दोनों कल्चर को एक साथ लेके चलती हूँ। जहाँ पे मैं कभी बिहू नाचती हूँ तो कभी मणिपुरी। बहुत अलग अलग राज्य से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और हमें भी इस बार बहुत अच्छा लगा कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है। He said like whoever we are from whichever part we are, but we all have the same thing, that is tricolor, that is the orange, saffron, white and green, which is Indian. भारत आत्मनिर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा, बल्कि जैसा मैंने कहा, आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा। क्यों, जितनी भी चीज़ें हमारी इंडिया में खुद की हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बाहर की चीज़ों को कम से कम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, तो उससे हम एक तरीके से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। वेरी गुड आइडिया टू यूज़ ऑल द इंडियन प्रोडक्ट्स इन दिस सेंस, इट्स लाइक देयर्स मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज इन इंडिया, इन द सेंस लाइक नो मोर लोकल प्रोडक्ट्स विल बी यूज्ड। हमें याद रखना है कि हमारा गणतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि ये कर्तव्य की भावना से संकल्पित है। इसी भावना को हमें मजबूत करना है, इसी से हमारा गणतंत्र भी मजबूत होगा और आत्मनिर्भरता का हमारा संकल्प भी सिद्ध होगा।